हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रेडियन और स्टेरेडियन का एमसीक्यूज वाइज टॉपिक। तो आज का टॉपिक देखने के लिए सबसे पहले आपने यूट्यूब पे टाइप करना है सप्लीमेंट्री यूनिट्स बाय मिस्टर किम मास्टर मैट्रिक्स, क्योंकि आज हम रेडियन और स्टेरेडियन का ओनली एंड ओनली एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला एमसीक्यूज से। हमारे पास सबसे पहला एमसीक्यूज है आर्क लेंथ 4 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर सब्सटेंडेड व्हाट विल बी द एंगल एंड रेडियन एट इट्स सेंटर। सबसे पहले जब आप किसी भी न्यूमेरिकल या जब किसी भी एमसीक्यूज को फाइंड करते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इसमें से गिवन वैल्यू को फाइंड करना है कि हमें कौन कौन सी वैल्यू दी है। तो यहाँ पे आपको आर्क लेंथ 4 सेंटीमीटर दिया है, यानी आपके साथ आर्क का जो लेंथ है वो गिवन है। रेडियस दिया है 1 सेंटीमीटर, यानी आर्क भी आपके साथ गिवन है, रेडियस भी आपके साथ गिवन है। What will be the angle? Theta आपके साथ unknown है, तो हम रेडियन में पढ़ते हैं कि theta is equal to s divided by r। तो s हमारे पास कितना है, 4 divided by 1 is equal to 4 रेडियन। theta का यूनिट की theta का जो हम रिप्रेजेंट करते हैं जो यूनिट है इसका वो रेडियन है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब हमारे पास दूसरा एमसीक्यूज है, What will be the radius of a circle? What will be the radius of a circle if arc length 4 centimeter? Arc length हमारे पास कितना है? ठीक है, subtended angle 4 radian। यहाँ पे radius unknown, हमसे चाहता है कि radius कितना होगा जब arc का length 4 centimeter है और इससे बनने वाला angle 2 radian है। तो हमारे पास theta is equal to s divided by r, r is equal to s डिवाइड बाय थीटा, तो s हमारे पास कितना है, 4, थीटा कितना है, 2। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास कितना आया, r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अब थर्ड एमसीक्यू हमारे पास है, द एंगल सबटेंडेड बाय द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज x। एक एंगल जो बना हुआ है सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल की वजह से और इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है और ये एंगल कितना है, ये एंगल एक्स है एट द सेंटर। व्हाट विल बी द एंगल सबटेंडेड एट अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 10 टाइम्स एट इट्स सेंटर। हमसे कहता है कि हमारे पास एक एंगल है जो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल पे सबटेंड हो चुका है और इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है और जो एंगल बना हुआ है वो कितना है, वो एक्स है। What will be the angle subtended at another circle? जब हम एक दूसरा सर्कल ड्रा करें और इसकी रेडियस को इससे 10 टाइम्स जो है ग्रेटर करें, तो हमारे पास जो दूसरा सर्कल होगा इसके सेंटर पे बनने वाला एंगल कितना होगा। तो मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट बताता चलूं कि ये हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल का रेडियस है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल का रेडियस है और ये इसका आर्क है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये हमारे पास एक सर्कल है और ये सर्कल का रेडियस है और ये सर्कल का आर्क है। अब अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे रेडियस छोटा है, आर्क लेंथ भी छोटा है, ये आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ भी छोटा है और रेडियस भी छोटा है। अब यहां पे जो रेडियस है वो ग्रेटर है, तो इसके साथ साथ आर्क लेंथ भी ग्रेटर हो चुका है। तो हमारे पास ये वैल्यू, ये कंक्लूजन आ चुका है कि जब हम रेडियस को बढ़ाते हैं तो इसके साथ साथ आर्क भी खुद बहुत जो है इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इन दोनों का रेशियो सेम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइड बाय आर। जब ये हमारे पास 2 था, ये भी 2 था, जब ये हमने 4 किया तो ये खुद बखुद 4 हुआ, तो दोनों से कितना आता है, 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा आर्क लेंथ पे और रेडियस पे डिपेंड नहीं करता। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ये दूसरा वाला एंगल भी x होगा। अब पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने आपको रेडियन और स्टेरेडियन के टॉपिक में जो है ये पॉइंट किया था कि हम किस तरह ये पॉइंट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो आप वहां से देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बताता चलूं कि एक रिवॉल्यूशन में हमारे पास 360 डिग्री होते हैं और 2π रेडियन होते हैं। ये जो एक सर्कल है ये 1 रिवॉल्यूशन है और ये 360 डिग्री और 2π रेडियन है। ठीक है स्टूडेंट, अब एक ही रेडियन में 57.3 डिग्री होते हैं और 0.15 रिवॉल्यूशन होते हैं। ठीक है स्टूडेंट,
और 1 डिग्री जो है इसमें 0.0174 रेडियन होते हैं और 0.0027 रिवॉल्यूशन होते हैं। तो इससे हमें पता चला कि रिवॉल्यूशन सबसे बड़ा यूनिट है, फिर इसके बाद रेडियन और सबसे छोटा यूनिट डिग्री है। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन इस यूनिट जो हम इस्तेमाल करते हैं फ्लैंक एंगल के लिए वो हमारे पास रेडियन है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको नोट कर ले, मैं आगे और एमसीक्यू आपको बताते चलूँ। अब हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4 है, व्हाट विल बी द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क लेंथ 6 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड डिग्री। हमें आर्क लेंथ दिया है जो 6 सेंटीमीटर है, रेडियस दिया है जो 2 सेंटीमीटर है, कहता है कि एंगल थीटा फाइंड करें, लेकिन इसका वैल्यू जो है वो डिग्री में होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई आर, एस हमारे पास 6 है, आर हमारे पास 2 है, तो ये आ जाएगा 3 रेडियन। अब हमें पता है कि एक ही रेडियन के अंदर 57.3 डिग्री होते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 57.3 डिग्री इज इक्वल टू 171.3 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब व्हाट विल बी द एंगल सबटेंडेड बाई आर्क लेंथ 6 सेंटीमीटर। हमें आर्क लेंथ दिया है जो 6 सेंटीमीटर है, अब सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, कहता है कि थीटा फाइंड करें लेकिन रिवॉल्यूशन में फाइंड करें। ठीक है स्टूडेंट, इसका वैल्यू रिवॉल्यूशन में होना चाहिए। तो हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइड बाय आर, तो एस हमारे पास 10 है, आर हमारे पास 5 है, तो ये आ जाएगा 2 रेडियन। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें पता है कि एक ही रेडियन के अंदर 0.159 रिवॉल्यूशन होते हैं, तो 2 के अंदर कितना होगा, तो जब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.318 रिवॉल्यूशन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर आप जो है डायरेक्टली ये पॉइंट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली भी आप पॉइंट कर सकते हैं। आपने सिंपली पॉइंट किया कि हमारे पास जो थीटा है वो कितना है, 2 रेडियन है। अब हमें पता है कि 2 पाई रेडियन, एक सर्कल 2 पाई रेडियन होता है, तो इसमें 1 रिवॉल्यूशन होता है, ये तो ओनली 2 रेडियन है, तो इसमें 1 रिवॉल्यूशन से कम रिवॉल्यूशन होगी, तो 1 रिवॉल्यूशन से कम यहाँ पे एक ही वैल्यू है, ऑप्शन बी। ये 1 रिवॉल्यूशन है, 3 रिवॉल्यूशन है, 3.18 है, तो ऑप्शन बी आप डायरेक्टली भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास और एमसीक्यूज है, व्हाट विल बी द एंगल सबटेंडेड बाय अ सरफेस एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ अ स्पीयर ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस एरिया इज 15 सेंटीमीटर स्क्वायर एट सेंटर। हमसे कहता है कि एंगल कितना होगा जब सरफेस एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है और क्लोज्ड सरफेस एरिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमें पता है कि हमारे पास जो भी क्लोज्ड सरफेस एरिया होगा वो 4.5 रेडियन के बराबर होगा। तो अब यहाँ पे क्लोज सरफेस एरिया कितना है, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो इससे हमें ये पता चला कि 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4.5 रेडियन, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा x, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें इसका, तो जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 15x इज इक्वल टू 45 रेडियन, तो डिवाइड बोथ द साइड बाय 15, तो 15 के साथ कैंसिल हुआ, 5 3 15, 5 8, तो ये आ जाएगा 4/3 5 रेडियन। तो 4/3 5 रेडियन हमारे पास ये ऑप्शन 8/5/3 रेडियन। ठीक है स्टूडेंट, अब हमसे कहता है व्हाट विल बी द एंगल सबटेंडेड बाय द 3 साइड ऑफ अ क्यूब एट सेंटर। हमसे कहता है कि हमारे पास एंगल कितना होगा जब हम जो सबटेंड हो चुका है 3 साइड्स ऑफ अ क्यूब। अब हमें पता है कि क्लोज्ड सरफेस एरिया हमारे पास 4.5 रेडियन के बराबर है, कितना बराबर है, 4.5 रेडियन। तो हमारे पास, हमें ये भी मालूम है कि लेट सपोज ये हमारे पास क्या है, क्यूब है, तो क्यूब में टोटल कितने साइड्स होते हैं, 6, 1 2 3 4 5, ये और ये 6। ठीक है, आप खुद पॉइंट कर सकते हैं क्यूब के अंदर टोटल कितने साइड्स होते हैं, 6 साइड होते हैं, तो क्लोज सरफेस एरिया 4.5 रेडियन है और ये 6 साइड्स के बराबर हुआ। ठीक है, तो हमारे पास 6 साइड्स इज इक्वल टू 4.5 रेडियन, तो 3 साइड्स इज इक्वल टू x,
तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम इसके करें तो सेक्स एक्स इज इक्वल टू 12 pi स्टीरीडियन डिवाइड बोथ द साइड बाई 6, तो ये आ जाएगा 6 1 6 2 2 5 स्टीरीडियन. तो 2 5 स्टीरीडियन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है स्टूडेंट. तो स्टूडेंट अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.